तो दोस्तों अब हमारा शुरू हो गया सफर। आगे दो स्कूटी जा रहे हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं दोस्त, और हम पीछे आ रहे हैं और एक स्कूटी पीछे जा रहा है। टोटल हम लोग 8 आदमी जा रहे हैं 4 स्कूटी में। बहुत लंबा रास्ता है, 120 किलोमीटर का, अप एंड डाउन आपका 240 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम लोग स्कूटी में काफ़ी कम्फर्टेबल नहीं होता है, फिर भी एक्सचेंज कर करके हम जा रहे हैं। फिलहाल तो हमने अभी स्टार्ट किए यहाँ से, आगे जाते जाते आपको दिखाएंगे कैसे क्या। पीछे जिम आ रहा है, उसके पीछे वो दोस्त हैं, देखते रहिए आगे क्या क्या होता है, दिखाते रहेंगे। आई होप आपको भी थोड़ा मनोरंजन मिलेगा। संडे का दिन है, क्यों ना घूम के आते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन करके आते हैं। जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर दूर कर्नाटक और तमिलनाडु बॉर्डर में एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सुंदर सा अग्नेय का वाटरफॉल है, जो वहाँ पे दिखने जा रहे हैं। पीछे सुनील आ रहा है, देखते रहिए। तो अभी दोस्तों अभी इतने देर तक मैं ड्राइव कर रहा था, अब तो मैं पीछे बैठा हूँ, क्योंकि कंटिन्यू ड्राइव करना अच्छा नहीं लगता, इसको लॉन्ग ड्राइव कम्फर्टेबल नहीं लगता है। तो काफ़ी घने जंगलों के बीच पहाड़ के ऊपर चलाना पड़ेगा, इसलिए हम अदला बदली करके जा रहे हैं। धूप काफ़ी खिला हुआ है और पूरी गांव का नज़ारा है, पूरे चारों तरफ से इधर उधर, रोड भी काफ़ी अच्छा है, चलाने के लिए भी अच्छा लग रहा है, भगाने के लिए भी। মনরে মনমি সপনরে পাহি তুমি জীবন জোনাকি। কাফি দূর আ চুকে হাম লোগ 40 কিলোমিটার জাদা তো ক্রস কর চুকে হ্যাঁ। তো আবি ইয়া রুক কে থোড়া সা কুছ জো ব্যাগ মে হাম ক্যারি করকে লেকে আয়ে হ্যাঁ, উসি কো কুছ খায়া পিয়া যায়, থোড়া সা রেস্ট রিল্যাক্স কিয়া জায়েগা আবি। তো আগে দেখিয়ে মস্তি ক্যা ক্যা হোতা হ্যায়।
साथ हम मतलब संडे के दिन साथ में दोस्त लोग के साथ छोटा छोटा वाटरफॉल देखने के लिए आए हैं। काफ़ी आपको यकीन नहीं होगा, हम तो रूबरू करके देख चुके हैं, आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा है ये, देखिए। और हम चाहते हैं आप भी एक बार आइए, देख के जाइए, इसका मज़ा लेके जाइए। थैंक। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।
ऐसे जी छिप छिपाए ऐसे जी हम न पाए। अभी रुको भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? गिर 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 घुमा घुमाएगा आदमी। अभी वीडियो कौन नहीं था? वीडियो अभी अभी हम इसी टोकरी में बोटिंग करके आए हैं। यह है आपका कर्नाटक वाटर पार्क। कर्नाटक वाटरफॉल बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप लोग भी आइए और इस नज़ारा का लुत्फ़ उठाइए। बहुत दूर दूर से आते हैं इस वाटरफॉल को देखने के लिए, इंजॉय लेने के लिए। छोटे छोटे मंकी भी हैं यहाँ पे। इस तरह का बम्बू का है ये टोकरी, कहते हैं इसे टोकरी। एक टोकरी में चार लोग जा सकते हैं, 700 रुपये लेता है। ये देखिए इस तरह से बोटिंग होता है। ये देखिए इस तरह से बोटिंग होता है, ऐसे लोग जाते हैं। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। लाइफ जैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, लाइफ जैकेट जरूर पहने जब ऐसे बोटिंग करने आए तो। देखिए बाल मोर चेहरा खराब है। बस अब अपना ट्रिप खत्म हो गया। मुंडा यहाँ में करे देखी लिखे नहीं करे इसको पूरा पर पको बंदा जाना। तो अभी ट्रेडिशनल टाइप से केले के पत्ते में मस्त पापड़ डाला है, पता नहीं क्या चीज़ का सब्जी डाला है, बाद में राइस सांभर है। मछली ज़्यादा नहीं खाता, एक मांग लो। तो भाई कैसा लगा आज आके? बहुत मज़ा। हाँ,
भाई कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा था? चना किधर एकदम सुपर है भाई, सुपर अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम मस्त। तो अभी हम लोग अपना अपना गाड़ी लेके अभी रवाना होंगे अपनी ओर। तो गूगल में अपलोड कर दें। तो रवि एक्सपीरियंस थोड़ा सा बहुत अच्छा। तो सो गाइस बाय बाय, अब हम चलते हैं अपना बसंती लेके। बसंती भी आज पूरा थक चुका है, अभी मिलेंगे डायरेक्ट रोड पे। तो फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, सभी साथी लोग लाइन अप करके निकल चुके हैं। रहता चलो दोस्तों, अब चलते हैं अपने घर की। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं सारे मौज मस्तियाँ करते हुए। अभी ये जंगल के बीचों बीच शाम का टाइम, गाय बछड़े भी जो घर घूम के आ रहे हैं, हम भी अपने घर घूम के जा रहे हैं। तो काफ़ी घने घोर जंगल हैं, दोनों साइड पहाड़ भी हैं, बीच में हम जा रहे हैं। और पीछे अपने दोस्त लोग जिमी भाई आ रहे हैं, उसके पीछे आ रहे हैं लाइन अप करके, लाइन मैन भाई आ रहे हैं। और ऐसे जगह में हम जा रहे हैं जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क 2 घंटे ड्राइव करने के बाद मिलता है। ऐसे जगह में अगर आपका गाड़ी कुछ हो गया तो इधर उधर कॉन्टेक्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं, मैं और रविंद्र, जो कि आपस में अदल बदल के चला रहे हैं गाड़ी को। और हमारी अभी स्पीड लिमिट भी उतनी ज़्यादा नहीं है, 60 में चल रहा है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या देखते रहिए। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी आ जाओ पीछे। शाम हुआ है, ठंडे ठंडे हवा मार रहा है, मज़ा आ रहा है। कसम से गाइस आज का संडे बहुत ही अमेजिंग हुआ, अमेजिंग। माया माया मनो रख मीठा।